Hey, good morning friends. Welcome to my channel. Today I want to talk about the investment instruments. देखिए क्या होता है ना कि आपके पास पैसे होते हैं और उस पैसे को कहाँ रखा जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो उसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। Hey my dear friend, I am Sanjay Shal, behavioral trainer, life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, मैं बात करने जा रहा हूँ investment instrument के बारे में। कितनी तरह के instruments हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को invest कर सकते हैं। तो पहला जो instrument है वो है stock and IPO. Stock and IPO means आपने देखा होगा टीवी पे, टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट पढ़ा होगा। स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आप पैसे को गंवा भी सकते हैं। ओके, इसी में एक होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करती है अपनी कंपनी को, तो वो उसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है म्यूचुअल फंड एंड SIP। म्यूचुअल फंड एंड SIP क्या है, इट्स जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट पैसे नहीं लगाते हैं। उसमें कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम लोगों से पैसे लेकर स्टॉक में लगाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है एक्सपर्ट लोग होते हैं और उनके इसके बारे में जानकारी होती है, तो वो उस पैसे को स्टॉक में लगाकर कमाते हैं और उसमें से कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा हमें वापस करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड एंड SIP। SIP इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है आप मंथली करके आप पैसे दे सकते हैं। ओके, जो तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बढ़िया, जो बहुत पहले से चला रहा है, वो है गोल्ड, सोना। सोने का भी जो दाम है, जो प्राइस है, वो बढ़ता ही रहता है। तो अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप चाहते हैं कि हम कहाँ रखें, तो उस पैसे से आप गोल्ड लेकर अपने घर में रख सकते हैं, ताकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका पैसे की जो वैल्यू है, सोने की जो वैल्यू है, वो बढ़ रही है। ओके, नाउ लेट इस गो टू फोर्थ वन। फोर्थ वन इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज प्रॉपर्टी, लैंड हो गया, घर हो गया, फ्लैट्स हो गए। ये भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप अपने पैसे को लगा सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ इसका जो एप्रिसिएशन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, वो बढ़ती जाती है। जो पांचवा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक्चुअली जो स्कीम है स्पेशली पेंशन के लिए होता है, कि अगर आप एक समय के बाद जब आपका एज 60 ईयर्स 70 ईयर्स जब हो जाता है, तो आपको उससे पेंशन मिलेगा। आप कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप जब आप ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, तो आपको पेंशन के रूप में उस पैसे को दिया जाएगा। Now let us come to sixth number. Sixth number is RD or FD. आपके पास बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में भी एक तो क्या होता है सेविंग बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपके पैसे आते रहते हैं, आपकी जो सैलरी आती रहती है, लेकिन उसमें क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट होता है, मीन्स मंथली आप जमा कर सकते हैं उसमें। हर महीने 2000, 4000, 5000 एक फिक्स करना पड़ता है कि आप एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, पाँच साल के लिए आप उसमें जमा कर सकते हैं, कुछ आपका फ्यूचर प्लान है तो। वो इसलिए क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट के अपेक्षा।
उसी तरह से एफडी है, एफडी मीन सपोज आपके पास है 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है रुपीस पड़ा हुआ है बैंक में, तो बैंक में क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट कम होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मीन्स फिक्स डिपॉजिट मीन्स कुछ टर्म के लिए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आप उसको फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। जो अगला जो सेवेंथ है वो है बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज। कई कंपनीज और कई कई बार तो गवर्नमेंट भी बॉन्ड निकालती है। बॉन्ड मीन्स आपको क्या होगा कि कुछ पैसे आपको, आपने उसको दिया, बोलेगा 10 ईयर्स बाद आपको इतना मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से सिक्योरिटीज भी होता है, ठीक है। जो अगला है एट्थ पॉइंट वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम। पोस्ट ऑफिस में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं, स्पेशली जो विलेज एरिया में हैं, उनके पास बैंक्स जिनके पास नहीं है आसपास, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है पोस्ट ऑफिस स्कीम। इसमें बहुत सारे स्कीम हैं, वहाँ भी जस्ट लाइक बैंक एफडी होता है, आरडी होता है, एमआईएस होता है, मंथली इनकम स्कीम। सपोज आपके पास 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपीज़ है, तो आप उसको जमा कर सकते हैं और उससे मंथली आपको मिलता रहेगा आपको इनकम के तौर पे, ठीक है, जो इंटरेस्ट है ना वो आपको मंथली आपको दिया जाएगा, तो इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, है ना। जो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है नाइन्थ, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इट्स जब आप कहीं जॉब करते हैं स्पेशली, तो वहां पे क्या होता है कि कंपनी कुछ परसेंटेज आपके पीएफ प्रोविडेंट फंड में डालती है और उतना ही अमाउंट आपका भी सैलरी से कट होकर उसमें जाता है। जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आप उस समय आपको सारा पैसा एक्युमुलेट होकर आपको मिलता है। तभी आपने सुना होगा कि जब कोई रिटायर हुआ तो उसको 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपीस मिला, क्योंकि उसमें पीएफ का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला जो है वो है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये भी जो क्या होता है, इट्स ए गोल्ड, गोल्ड से रिलेटेड बॉन्ड मिलता है, वो गवर्नमेंट देती है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपका जो इंटरेस्ट है वो अच्छा मिलता है। जो अगला है वो है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है कि सेम रियल एस्टेट का ही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये क्या ट्रस्ट होती है जहां पे आप पैसे देते हैं, जस्ट लाइक उसमें आपको कुछ शेयर मिलेगा और उसके अनुसार आपको उसकी वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपका इन्वेस्ट अगर आप इसमें करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सकता है इसमें। जो अगला है वो है इंश्योरेंस एंड यूलिप। इंश्योरेंस में भी पैसे लगाकर आप, एक तो क्या है आपका इंश्योरेंस हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब के लिए आप जमा करते हैं उसमें पैसे। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट और यूलिप प्लान्स हैं जिसमें क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस भी होता है और आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं अगर आप अलाइव रहे तो भी, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस के लिए और आगे अच्छा से जानकारी लेना है तो हमारा एक वीडियो है इंश्योरेंस के बारे में, उसको भी आप देख सकते हैं और तब आप डिसाइड करिए कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एज अ देखिए कि इंश्योरेंस में भी लोग पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा जो है फ्यूचर प्लान, अच्छा जो है अपना इनकम जनरेट कर लेते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, सो ये था हमारा 12 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज़ करके अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आपके पास एक अच्छा फंड हो सकता है फ्यूचर में। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, आपको कैसा लगा आप इसमें ज़रूर कमेंट करिए। ओके, एंड इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इफ यू लाइक इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।